2.17 पे एग्जांपल नंबर 10 स्टूडेंट्स, हमने कल जो सम्स किए थे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सम्स किए, उसके बाद हम लोगों ने सैलरी के सम्स किए। अब आज हम लोग जो सम कर रहे हैं बेटा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, कि अगर फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करता है। चार्ज करता है का मतलब क्या होता है बच्चों, की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म हमेशा पार्टनर्स को देता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होता है ना बेटा, वो पार्टनर से लेते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुई बेटा, जब लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देंगे तो इनकम, बराबर ध्यान देना बेटा। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2021 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। जो उन्होंने 5-5 लाख रुपए कैपिटल स्टार्ट किया, एज पर द डीड बोथ एक्स एंड वाई आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 10,000 ईच। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट समा बेटा, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 50,000 ईच। अब दोनों को सैलरी 10,000 देनी है, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 फॉर्म देना चाहती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर 3,000 and 5,000। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज, फर्म को 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। बच्चों मैंने आप लोगों को जब लेक्चर का फर्स्ट डे जब मैंने लिया था, तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी होता है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स, ये दोनों हमेशा क्या होता है बेटा, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देगी, लॉस होगा तो नहीं देगी। अब यहाँ पे आप देखो बेटा, तो आपको फर्म को 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, तो ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना आप पार्टनर्स को सैलरी दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोग ले लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे और सैलरी भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। क्लियर हो बच्चों सब लोगों को बेटा, क्या करने के लिए बोला है, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों जनरल एंट्रीज ध्यान से समझना बेटा, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। बच्चों हमेशा आप जब भी जनरल एंट्री लिखोगे बेटा, तो पहली जनरल एंट्री वहां से शुरू करोगे जहां पे आप प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके आ रहे हैं। अब बच्चों कल हम लोग प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में लेते गए थे, तो एंट्री क्या करी थी भाई, पीएनएल टू एप्रोप्रिएशन। अब यहां पे लॉस है, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अमाउंट में 2 लाख 2 लाख। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई सबको, कोई कंफ्यूजन बेटा? अब हम लोग उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हैं, फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहा है, मतलब फर्म के लिए क्या है बेटा, इनकम। इनकम्स को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। एंट्री नंबर टू किससे किससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हैं, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन दोनों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे किया, तो इन दोनों के लिए एक्सपेंस है, और फर्म को मिला तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फर्म को मिला तो उनके लिए इनकम। कितना बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देखो बेटा एक्स का 3,000 वाई का 5,000 इन टोटल 8,000। एंट्री नंबर सेकंड की है बेटा, कोई कंफ्यूजन सेकंड एंट्री में? अब थर्ड एंट्री क्या करोगे बच्चों, मैंने आपको क्या कल बताया था कि इनकम होगी एक्सपेंस, तुरंत उसको क्या करने में अपने को क्लोज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे क्रेडिट है, आप उसको क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन 8,000 8,000। कंसेप्ट है बेटा सबको? अब प्रॉफिट या लॉस, एनडीपी या एनडीएल, उसको अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको एंट्री से कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो ना बेटा, तो क्या करने का, अपने को पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देने का। बच्चों ध्यान से समझना, हमने जो कल सम्स किए थे बेटा, हर जगह पे नेट प्रॉफिट था, तो हमने बच्चों नेट प्रॉफिट कहां पे लिखा था, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में लिखा था। यहां पे नेट लॉस है, तो कहां लिखेंगे बेटा,
डेबिट में लिखेंगे टू नेट लॉस 2 लाख. बच्चों क्या रूप बेटा में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम है, तो इनकम को कहां पे लिखते हैं बेटा हमेशा क्रेडिट में. क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स वाई. एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 3000, वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 5000, इन टोटल 8000. कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोग? बाबा टोटल पे ध्यान देना बेटा. डेबिट साइड का टोटल है 2 लाख, वही मैं रखूंगा क्रेडिट में 2 लाख. अब 2 लाख में से 8000 क्या बाकी बचा? 1,92,000. ये है आपका NDL, नेट डिविजिबल लॉस, जिसको आप किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा? एक्स और वाई में. कौन से रेशियो में बोला है बेटा? इक्वल. तो 192 का इक्वल मतलब 96. पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया बेटा? अब इसकी जनरल एंट्री कैसे फॉर्म करोगे बेटा? ध्यान से समझना. ये लॉस फॉर्म का, लेकिन ये फॉर्म लॉस किससे लेगा बेटा? एक्स और वाई से लेगा. तो एट दी एंड ये लॉस किसका है बेटा? एक्स और वाई का. तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,002. PNL appropriation 1,92,000. समझ गया बेटा सब लोग? बाबा कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट कर दो बेटा. यस बेटा. आएंगे ना कभी? क्या फर्क पड़ता है? और बोला कि नहीं चलता है. सर आप म्यूट बेटा, जब तक ये सम कॉपी करें ना सब लोग बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे.
बच्चों एग्जाम्पल 11 देखो बेटा, हमने ये जो एग्जाम्पल 10 किया उसमें कैसा था बेटा कि हमारे पास लॉस हो रहा था, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दिया। लेकिन बच्चों कभी ऐसा हो कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन सफिशियंट प्रॉफिट नहीं हो दोनों को देने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? ठीक है ना, ध्यान से समझना बच्चों। पेज नंबर 2.19 पे एग्जाम्पल 11 देखो क्या लिखा है। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूट 20 लाख एज एज कैपिटल। अजय ने 20 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया है। विजय इज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, विजय वर्किंग पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 8% पर एनम। 20 लाख का 8% निकालो बेटा 1,60,000, मतलब अजय को 1,60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट 10,000 पर मंथ। विजय वर्किंग पार्टनर है, 8,000 पर मंथ इनटू 12 मतलब टोटल अपन को विजय को 96,000 रुपीस सैलरी दे रही है। चलो बेटा मैं यहां तक कंटिन्यू। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 80,000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है बेटा तो हम लोग बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बच्चों ध्यान देना, पर्टिकुलर रुपीज आपका नेट प्रॉफिट कितना दिया बच्चों, क्वेश्चन में चेक करो लास्ट क्लास में 80,000। अब बच्चों मुझे अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,60,000, विजय को सैलरी देनी है 96,000। अगर मैं इन दोनों अमाउंट का टोटल करूं तो मुझे चाहिए 2,56,000, लेकिन मेरे पास है कितने बेटा, तो किसको दूं? अगर मैं अजय को देता हूं तो विजय प्रॉब्लम करेगा, विजय को देता हूं तो अजय हैरान करेगा मेरे को। तो जब ऐसी सिचुएशन हो बेटा कि जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी को पैसा पूरा नहीं दे सके तो ये पैसा 80,000 हम लोग उनको उनके अमाउंट आउटस्टैंडिंग के रेशियो में देंगे। अजय का अमाउंट है 1,60,000 एंड विजय का अमाउंट है 96,000। 3,0,3,0 में गया, 160 × 96, 16 की टेबल लगी थी, 10 × 16 = 2 की टेबल लगेगी 5:3। 80,000 को 5:3 में हम लोग देंगे तो यहाँ पे अजय's कैपिटल 50,000 एंड टू विजय's कैपिटल 30,000, ये दोनों तरफ का टोटल 50,000। फिर से एक बार, हाँ बेटा सर ऐसा नहीं होता कि मतलब प्रॉफिट फॉर्म में जब मतलब आ जाएगा तो कंपल्सरी आपको देना पड़ेगा। आप डिविजिबल प्रॉफिट का नाम दो उसको या उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उनकी सैलरी का नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट तो उनके क्रेडिट में जाने वाला है, अमाउंट तो उनके कैपिटल में जाने वाला है। हाँ डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते, आप उनको प्रॉफिट का नाम दे दो या आप उनकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम दे दो। हाँ बेटा पूरा कहां से देंगे बेटा, है कि नहीं? नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो कंपनसेट होगा, कुछ भी नहीं बेटा, कोई कंपनसेशन नहीं गया। अगर इस बार हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया। अब अजय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में 50,000 और विजय को सैलरी के फॉर्म में 30,000 मिलेंगे अगले साल के अगले साल बाद। अब ये साल का भूल जाओ, वापस देखो अजय का अमाउंट है 1,60,000 और विजय का अमाउंट है 96,000। 3,3,0 हटा दिया बेटा, बचा क्या 160 एंड 96। अब 16 के टेबल लगाएंगे अपन दोनों जगह पे, 16 × 10 = 16,600। फिर हम लोग 2 के टेबल लगाएंगे तो 5 × 3 = 0। अब 80,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 80,000 × 5/8 और 80,000 × 3/8। बाकी क्लियर बेटा सब लोगों को?
कंप्लीट हो गया सब सबका जल्दी करो मैडम बच्चों कमली को उठा अपील सर कौन जीरो बाद एग्जांपल है आइटम बेस एक्स्ट्रा बीपी देखो बेटा कोई भूल नहीं है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स Full stop. A introduced rupees 10 lakh as capital full stop. A is entitled for 5% interest on capital full stop B is entitled for 5,000 monthly salary of rupees 5,000 full stop. A and B withdrew rupees 50,000 and 40,000 respectively full stop. Firm charges interest on drawings of rupees 2,000 and 3,000 of rupees 2,000 and 3,000 full stop prepare P&L appropriation account in following cases case 1 firm earns profit of rupees 1,95,000. Case 2. Firm earns profit of rupees
75,000. Case 3, firm earns loss of rupees 45,000. सब सब बिफोर इंटरेस्ट मतलब बिफोर एडजस्टमेंट वाला ही सब आपने एडजस्टमेंट को प्लॉटिंग करना है बेटा सर तीनों में पीएनएल एप्रोप्रिएशन ध्यान से आराम से मगज धोना एक ही सम के अंदर मैंने मेजॉरिटी टॉपिक कवर कर लिया आपका बेटा
आप लोग करो ना बेटा, तुमको नहीं आ रहा है तो थोड़ा टाइम देखो। ए का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कितना है बेटा, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50 है ना, और बी की सैलरी 60। केस वन ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बेटा, देखो चैप्टर में ना कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। अब केस वन में आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है कि लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट है मयूर भाई देखिए इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,95,000। पहले हमेशा इनकम लिख देने की बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए एंड बी, ए का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 और बी का 3,000, मतलब टोटल 5,000 बराबर। ओके अब आपके पास टोटल कितने रुपए हुए 2,00,000, आपको देने कितने बेटा दोनों को मिला के 1,10,000, मतलब आपके पास पूरे पूरे पैसे हैं। दे दो पहले उनको, ये यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में ए 50,000, 2 सैलरी ब्रैकेट में बी 60,000, यहाँ का टोटल करो मैं 2,00,000, वही 2,00,000 यहाँ पे 1,10,000 माइनस करो 90,000, ये मेरा आएगा 2 NDP, NDP को ए बी में डिस्ट्रीब्यूट करूं 45 45, खत्म। ये केस वन हो गया, सिंपल है। अब केस टू देखो, केस टू देखो, केस टू ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो लॉजिक समझो बेटा, यही तुम लोग गड़बड़ी कर रहे हो। अच्छा अब उसमें केस टू में नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 75, तो यहाँ पे आपने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 75, पहले क्रेडिट साइड का लिख दो और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए एंड बी 2,000 और 3,000 टोटल 5,000। अब हमारे पास टोटल रुपए कितने हुए 80,000 और आपको देने कितने 1,10,000, नहीं है इतने पैसे, तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया अभी अभी, जब पूरे प्रॉफिट नहीं है तो उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो ये जो 80,000 है इस 80,000 को आप लोग 50,000 एंड 60,000 मतलब 5:6 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 80,000 इंटू 5/11, 80,000 इंटू 6/11 5 और 6 11 हुआ ना बेटा, तो निकालेंगे 4,3,6,3,6,5 पर सर इसका है ना 80, लाइक लास्ट में ना 80,000 आता ना उसमें लास्ट में जीरो के लिए 3 आ रहा है, हां और सर निकलने लाइक हो गया 8 और 5 13, नहीं तो फिर ना रेशियो गलत हो गया, नहीं सर मतलब हमारा इस तरह ही है, हां सर 7 to 7 तो रखेंगे तो थोड़ा कम हो गया सर, क्या हम 8 को 80,000 से माइनस करते 80,000 * 5/11 6 3 6 3 6 बेटा 3 6 3 6 3.6 है, मतलब यहां पे 4 होगा बेटा, और यहाँ पे 80,000 इनटू 6/11 4,3,6,3,6 मतलब आपको क्या है, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास प्रॉफिट पूरा है तो आप उनको पूरे पूरे 50,000 पूरे पूरे 60,000 दे दिए, बाकी जो आपका डिफरेंस बचा वो एनडीपी हो गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास है ही नहीं इतने पैसे, 1,10,000 है ही नहीं, तो क्या करोगे जितना है 80,000 उसको ए और बी में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नहीं होगा ना, थोड़ा सा ना गलत है ना बेटा, आपके पास है ही नहीं पैसे, तो कहां से दोगे वो, लॉस वाला जो किया है नेट प्रॉफिट वो करा ना, केस 1 2 तो मैं 3 करा रहा हूं।